एनीवे, जब राष्ट्र राज्य की शक्ल लेता है यानी संप्रभुता की प्राप्ति कर राज्य का स्वरूप लेता है तो फिर इसका अगला लक्ष्य क्या होता है? देखिए, राष्ट्र राज्य में तब्दील हो गया, ठीक है, यानी इतना तय हो गया कि यहां आते ही यह स्वरूप धारण करते ही इसके अंदर संप्रभुता निहित हो गई, ठीक। अब जो इसका अगला कदम होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस की मान्यता प्राप्त करना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी इसे मान्यता मिल जाए कि हां साहब, विश्व बिरादरी ने स्वीकार लिया कि तुम भी एक राज्य हो। यहां राज्य का मतलब सामान्य अर्थों में एक संप्रभु देश हो, है ना, आप एक ऐसा देश हो जिसके ऊपर विश्व बिरादरी संशय की निगाह से नहीं देखेगी, जिसे वो मानेगी कि आप हमारी बिरादरी के ही हिस्से हैं। एनीवे, अब ग्लोबल फ्रेटर्निटी का रिकॉग्निशन कब मिलेगा इसको? ग्लोबल फ्रेटर्निटी का रिकॉग्निशन तब मिलेगा जब यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य देश हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश हैं? 193। तो संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों का दो तिहाई देश, कम से कम दो तिहाई, समझ रहे मेरी बात, मींस 2/3 या फिर 2/3 ऑफ यूनाइटेड नेशन, इफ दे पास अ रिजोल्यूशन कीपिंग इन माइंड यस वी आर गोइंग टू असाइन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड टू अ पार्टिकुलर एंटिटी, देन ओनली द सेड स्टेट कैन बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज नॉट। सिंपल सी बात है, 193 में से कम 193 के दो तिहाई देश ये माने कि हां साहब, हम आपको राज्य के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, ये तो एक पक्ष हुआ, इसके अलावे संयुक्त राष्ट्र के जो P5 मेंबर्स हैं, यानी परमानेंट 5 मेंबर्स, अस्थाई सदस्य, अस्थाई यानी परमानेंट मेंबर्स, ये कौन कौन से हैं? देखिए जी, एक तो हो गया आपका USA, दूसरा हो गया UK, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को बोलते हैं हम लोग, तीसरा हो गया आपका फ्रांस, चौथा हो गया रूस और पांचवा हो गया चाइना। इन पांचों में से कोई भी देश वीटो शक्ति का इस्तेमाल ना करे। अगर मान लीजिए 193 देशों में से दो तिहाई देशों ने इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन देने की दिशा में हरी झंडी दे भी दी और इन परमानेंट 5 में से किसी एक ने भी कहा कि नहीं नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो समझ लीजिए कि इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलते मिलते रह जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और अगर P5 मेंबर्स ने भी हरी झंडी दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस वी आर रेडी टू रिकॉग्नाइज यू, देन यू विल कंप्लीटली अक्वायर द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड एंड योर ग्लोबल रिकॉग्निशन वुड बी मेंटेन्ड, अब आप विश्व बिरादरी के हिस्सा बन जाएंगे, समझ रहे? तो इस तरह से राष्ट्र से हम राज्य में तब्दील होते हैं और राज्य के बाद वैश्विक बिरादरी की कहीं ना कहीं सहमति लेने का प्रयास करते हैं, वैश्विक बिरादरी का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए इन चरणों से आपको गुजरना होता है, आपको मतलब राष्ट्र को गुजरना होता है, और फिर वो राज्य का स्वरूप लेता है। इसी राज्य को हम लोग अनौपचारिक भाषा में देश कहा करते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र राज्य संकल्पना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, राज्य के अंदर जो चारों अवयव हैं लाइक लैंड, पीपल, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी, आखिर इनके मायने क्या होते हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। देखो जी, राज्य, पहला तत्व इसमें कौन सा समाहित है? भूगोल, यही कहीं कहीं लैंड लिखा होता है, जमीन लिखा होता है, लेकिन आपको बताऊं यहां भूगोल का तात्पर्य है वेल डिफाइंड ज्योग्राफी यानी पूर्ण परिभाषित भूगोल होना चाहिए। यानी कोई पूछे कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, तो फटाफट आप बता सके कि इतना हजार वर्ग किलोमीटर वगैरह वगैरह,
तो पूर्ण परिभाषित भूगोल होना चाहिए। दूसरा पॉपुलेशन या पीपल, कुछ भी आप लिखते हैं, लोग या जनसंख्या, तो ध्यान रखेंगे अगर हम जनसंख्या यहां लिखते हैं तो आपको बताऊं एक ऐसी जनसंख्या जो संबंधित भूगोल में यानी संबंधित भू क्षेत्र में यानी भौगोलिक क्षेत्र, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रही हो और ध्यान देंगे यह महत्वपूर्ण बिंदु है, तथा भविष्य में भी निवास करने की कामना रखती हो, इच्छा रखती हो, भविष्य में भी निवास करने की इच्छा रखती हो। यह नहीं कि दिनों दिन कोई मायावी शहर बसा दिया आपने और टेम्पोरली हजारों लाखों लोगों को बसा दिया और बोला कि एक हफ्ते बाद फिर खाली करा देंगे विश्व समुदाय को दिखाने के लिए कि देखो यहां पर हम रहते हैं और फिर आपको आपके भू सीमा में या भूखंड में या ज्योग्राफिकल एरिया में उसे शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जो जनसंख्या रह रही है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी वह जनसंख्या वहां निवास करने की इच्छा रखती हो। तीसरा गवर्नमेंट सरकार, अब जाहिर सी बात है किसी भौगोलिक सीमा में लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ तो कायदे कानून होने चाहिए, कुछ तो ऐसे एक तरह से कह लें आप नियामक तय किए जाने चाहिए जो लोक अनुक्रम को बनाए रखे, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखे, नैतिकता को बनाए रखे, भद्रता को बनाए रखे, यानी मोरालिटी डिसेंसी पब्लिक ऑर्डर ये सब मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई एक बॉडी चाहिए जो देखभाल करे इनकी, इनके लिए कायदे कानून सेट करे, उसी को सरकार बोला गया। चौथा संप्रभुता सोवरेंटी, सोवरेंटी यानी इनके द्वारा जो भी कायदे कानून निर्धारित किए जाएंगे उसको चुनौती देने वाला या उससे भारी पड़ने वाला कोई दूसरा कायदा कानून बनाने वाली संस्था वहां नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो यह फिर संप्रभु नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये चार बातें होती है। अब देखिए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पूर्ण परिभाषित भूगोल, क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब है? वेल डिफाइंड ज्योग्राफी, कैसे किसी देश की यानी किसी राज्य की भौगोलिक सीमा का आकलन किया जाता है? अब देखिए भौगोलिक सीमा में केवल स्थल सीमा की ही बात नहीं होती, केवल टेरिटोरियल एक तरह से कह ले टेरेस्ट्रियल रीजन की ही बात नहीं होती, बल्कि वाटर रीजन की भी बात होती है, एरियल रीजन की भी बात होती है, यानी भू सीमा होगी, जल सीमा होगी, वायु सीमा होगी। अब वायु सीमा जल सीमा इनका आकलन कैसे होगा? स्थल सीमा का आकलन तो कई दफा बड़ा आसान होता है, लेकिन जल सीमा हम कैसे निर्धारित करेंगे, वायु सीमा कैसे निर्धारित करेंगे, कहां तक किसी देश की वायु सीमा जाती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज इधर कोई देश है ये, और इस देश की जो स्थल सीमा है वो आपका यहां पर है, इस तरह से मैं किसी एक डायरेक्शन को ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि देश ऐसे सीधा सपाट होगा, हो भी सकता है। एनीवे ये मान लीजिए स्थल सीमा है और इसके बाद से इसकी जल सीमा शुरू हो जाती है, चलो जी ये जो भी अभी यहां मैंने किया है इसको आप जल समझेंगे, जल सीमा मान लो ये समुद्र है, सागर है, ओशन, ओशन है ये। अब सवाल ये उठता है कि चलो स्थल सीमा तक तो हमने टेरेस्ट्रियल रीजन यहां देख लिया, लैंड बाउंड्री इसकी देख ली, अब यहां से जल सीमा शुरू होती है, तो क्या इसके आगे जो समुद्र है समुद्र में भी इस देश का कोई हिस्सा होगा? निसंदेह होगा,
आपको बताऊं, स्थल सीमा से लेकर है ना 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल बेसिकली समुद्री दूरी आंकने की एक इकाई है, यूनिट है नॉटिकल माइल। आपको बता दूं ये लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होती है, मतलब 1 नॉटिकल माइल मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, आप कह लो 100-110 मीटर कम, कुछ ऐसा होता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर है ना। तो एक लमसम आप इसे क्या मानेंगे, अरे भाई 852 मतलब इतना पता होगा ना कि 1850 मीटर कम से कम ऑन एन एवरेज, तो भाई 2000 मीटर से कितना कम हुआ, 150 मीटर। तो देख रहे हैं लगभग 1 नॉटिकल माइल 2 किलोमीटर के बराबर होता है, 100-150 मीटर कम। तो ये 12 नॉटिकल माइल की दूरी है, ये बेसिकली कहलाती है टेरिटोरियल जोन। क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल जोन, क्षेत्रीय सीमा, टेरिटोरियल जोन। अब देखिए जैसे ये तो स्थल है, अब स्थल के ऊपर का जो आपका आसमान है, यहां तक कि एरियल बाउंड्री में आपको कोई सीमा नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चलो भाई अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के ऊपर हवाई जहाज उड़ी तो जाहिर सी बात है हमारे देश की सीमा में ही उड़ रही है, यहां तो अंदाजा लग जाता है। लेकिन जैसे ही देश की स्थलीय सीमा समाप्त हो और पता चला सागर के ऊपर अब उड़ने लगी, तो फिर सागर के ऊपर जो एरियल स्पेस है, जो वायुमंडल है, क्या वो भारत के क्षेत्राधिकार में आएगा या नहीं आएगा, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक इसके ऊपर के आसमान में अगर एरोप्लेन उड़ रही है तो आप समझेंगे कि भारत की वायु सीमा में ही उड़ रही है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के अगर अंदर चली जाए और फिर आसमान में, चूंकि आसमान में ही उड़ेगी, हवाई जहाज पानी में तो उड़ेगी नहीं, 12 नॉटिकल माइल के अंदर जब पानी में जाएंगे और फिर उसके ऊपर के आसमान को देखेंगे और वहां हवाई जहाज दिखेगी, तो समझ जाना कि वो भारत की एरियल बाउंड्री में नहीं है। एनीवे, यानी 12 नॉटिकल माइल के ऊपर तक का जो आसमान होगा वो हमारी वायु सीमा के दायरे में होगा। दूसरी बात, 12 नॉटिकल माइल में आप और 12 नॉटिकल माइल जोड़ दो, यानी 24 नॉटिकल माइल, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस यानी एक तरह से कह सकते हैं सटी हुई सीमा, सटा हुआ क्षेत्र, यानी टेरिटोरियल जोन से ही है, सटी हुई जोन होती है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन। और इसके अलावे अगला होता है समुद्र के अंदर, मतलब भौगोलिक सीमा रेखा से होते हुए जब समुद्र में आप जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल। ये जो 200 नॉटिकल माइल की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस तरह से समुद्री सीमा का हम निर्धारण करते हैं और अंततोगत्वा एक वेल डिफाइंड बाउंड्री की संकल्पना व्यक्त करते हैं, एक पूर्ण परिभाषित भूगोल की संकल्पना प्रकट करते हैं। पूर्ण परिभाषित भूगोल में केवल व केवल जमीनी क्षेत्र ही नहीं आता, लैंड एरिया ही नहीं आती, बल्कि एरियल स्पेस को भी कंसीडर करते हैं, वाटर स्पेस को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक और बात, अब देखिए समुद्र के अंदर जहां तक आपकी एक तरह से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, या फिर आप यो कह लीजिए टेरिटोरियल जोन, कंटिगुअस जोन, यहां पर आप अपने समुद्री रिसोर्सेज का दोहन कर सकते हैं, पूरा अधिकार होता है आपको। अब कई दफा देश क्या करते हैं कि लैंड बाउंड्री ऐसे सीधी सपाट तो होगी नहीं, आमतौर पर हो सकता है इस तरह की भी हो, ऐसे यानी मान लीजिए ये जो आपकी बाउंड्री है यहां पर स्थल है ना, लेकिन यहां पर फिर जल भर गया है, फिर ऐसे स्थल है, ये जो सीधी ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं सफेद, ये मान लीजिए ये लैंड है, लैंड बाउंड्री है ना। अब कोई कहे कि भाई हम 12 नॉटिकल माइल या 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल का मेजरमेंट कहां से करें, आपको नहीं लगता कि अगर कोई देश यहां से मेजरमेंट करेगा तो समुद्री संसाधनों पर कम नियंत्रण रख पाएगा, क्योंकि यहां से जोड़ेंगे तो 12 नॉटिकल माइल कहां आ जाएगा,
यहीं पर रह जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए यहां से काउंट करे तो यहां तक आ जाएगा, और जब यहां तक आएगा तो कम से कम समुद्र के अंदर इतनी सीमा तक तो बड़ी आसानी से वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। वैसे ही 200 नॉटिकल माइल की भी दूरी यहां से काउंट करेगा तो और आगे तक जाएगा समुद्र के अंदर। तो चूंकि समुद्री संसाधनों पर अधिक से अधिक वर्चस्व स्थापित कर सके, उन संसाधनों का अपने हित में व्यापक तरीके से हम इस्तेमाल कर सके, इस उद्देश्य से हर देश चाहता है कि हम अधिक से अधिक फायदा उठा सके। यहां पर कहने का मतलब कि अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा सके। लेकिन क्या वो बढ़ा लेगा, उसे छूट दी जाएगी? क्या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, इंटरनेशनल बॉडी है जो इन चीजों की देखभाल करती है कि नहीं आपको कहां से मेजरमेंट करनी है, आपको अपनी वाटर बाउंड्री का निर्धारण किस रेखा से शुरू करनी है? हां है, उसको हम लोग बोलते हैं ये यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग कह लीजिए, या उसी के दायरे में आने वाली, उसी के अंडर में आने वाली एक निकाय है, इंस्टीट्यूशन है, UNCLOS। मैं यहां लिख दे रहा हूं सेपरेट, UNCLOS, अनक्लोज। इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी समुद्री क्षेत्रफल की निगाह से, समुद्री क्षेत्रफल निर्धारित करने की निगाह से, समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिहाज से जो कुछ भी एक तरह से कायदे कानून निर्धारित करने होंगे उसे निर्धारित करने का दायित्व तो अनक्लोज के पास होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के पास होगा। आपको बताऊं वर्ष 1973 से लेकर 1982 तक समुद्र नियमों को, या खास करके समुद्री सीमा रेखा के निर्धारित करने से संबंधित नियमों को संचालित करने के लिए वैश्विक स्तर पर तमाम बैठकें की गई कि कुछ प्रयास किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग वाटर बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स को कम कर सकें। जैसे आए दिन देखते होंगे चीन में, चीन के साथ और जापान के साथ ये वाटर बाउंड्री डिस्प्यूट होते रहता है, कई दफा भारत श्रीलंका के बीच भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी तरह अगर किसी देश के अंदर या दो देशों के अंदर इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है तो कोई ना कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना, जो समुद्री कायदे कानून को, समुद्री सीमा निर्धारण से संबंधित कायदे कानून को संचालित कर सके, निर्धारित कर सके, मापदंड निर्धारित कर सके और देशों को मजबूर कर सके कि आपको यही फॉलो करना है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1982 में अनक्लोज पर हस्ताक्षर किया गया और एक बॉडी के रूप में इसे डेवलप किया गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को, जिसका दायित्व तो होता है कि दो देशों के बीच जहां समुद्री सीमा मिलती हो उनके बीच कोई डिस्प्यूट ना हो सके, इसे कैसे देखा जाए, कैसे यहां से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटा जाए, ये प्रयास होते हैं, है ना। अब देखिए 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो सागर होगा वो बेसिकली कॉमन एरिया होती है सबके लिए, वो किसी देश के आधिपत्य में नहीं आता, है ना। एनीवे, मान लीजिए यहां पर क्या होगा, अनक्लोज क्या करेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। मान लीजिए कोई देश कह रहा है कि हम अपनी समुद्री सीमा अब यहां से निर्धारित करेंगे, या फिर यह भी तो हो सकता है कि चलो अनक्लोज ने कहा कि नहीं भाई हम एक कॉमन पॉइंट लेकर, जो भी ये उभार है और जो भी गर्त है इन दोनों को कंसीडर करते हुए एक आभासी रेखा खींच दिया, सपोज एक काल्पनिक रेखा खींच दिया और बोला कि देखो जी यहां से आपकी समुद्री सीमा निर्धारित होगी। समझ रहे मेरी बात, यानी ना तो आपके अनुसार जो टॉप पॉइंट था वो हम लेंगे और ना ही किसी और के अनुसार जो बॉटम पॉइंट था उसे लेंगे, नहीं हम अब से आपकी ये काल्पनिक रेखा होगी, यहीं से आपकी समुद्री रेखा की शुरुआत होगी या समुद्री सीमा की शुरुआत होगी। तब जो भी 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल वगैरह वगैरह कुछ भी काउंट करना होगा आप यहां से काउंट करेंगे, है ना। टेरिटोरियल जोन, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब यहां से काउंट होगा। अब मान लीजिए कि चलिए आपकी ये काल्पनिक रेखा तो बन गई है समुद्री सीमा को निर्धारित करने के लिए, और पता चला कि चूंकि समुद्र में आए दिन तमाम तरह की प्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं, कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया यानी ज्वालामुखी उद्गार हो गया, कभी सुनामी आ गई, भूकंप वगैरह, ये सब जो भी हो, इस वजह से ऐसा भी तो संभव है कि मान लो कि इसी रेखा के पास
सपोज यहां पे एक टापू बन गया, यहां टापू बन गया, यहां आपकी स्थल सीमा समाप्त हो रही है मान लीजिए भाई, स्थल सीमा तो यहां तक भी आपकी दिखेगी अंदर, लेकिन चूंकि आभासी रेखा इसी को खींचा गया है, आप उसे स्वीकार भी लिए हैं कि चलो हम यहीं से अपनी वाटर बाउंड्री को कंसीडर करना शुरू करेंगे। लेकिन तभी पता चला कि यहां ज्वालामुखी उद्गार की वजह से एक आइलैंड डेवलप हो गया, देख रहे हैं आइलैंड, अब देश क्या करेगा, यह देश कोशिश कर सकता है ना कि भाई अगर हम आइलैंड तक अपनी लैंड बाउंड्री को बढ़ा दें तो वाटर रिसोर्सेज का और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिर 12 नॉटिकल माइल या 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल का जो एक तरह से मेजरमेंट है वो थोड़ा अंदर से होगा, अनक्लोज से कहेगा कि देखो जी हमने यहां पर, हमारे यहां तो टापू पैदा हो गया, आइलैंड पैदा हो गया, तब अनक्लोज उससे क्या कहेगा कि ठीक है मैं समझता हूं तुम्हारे पास नया आइलैंड आ गया, तो क्या केवल जमीन से बात बन जाएगी, लैंड से बात बन जाएगी, उसमें रहने वाले लोग भी हैं क्या, यानी क्या होना चाहिए वहां पर, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, लैंड तो हो गया, तब देश क्या करेगा, हो सकता है अपने मेन लैंड के लोगों को ले जाकर 10,000-50,000 लोगों को वहां बसा दिया, लो साहब लोग भी हैं, तब अनक्लोज ये पता करने का प्रयास करेगा कि अच्छा जो यहां जनसंख्या निवास कर रही है क्या भविष्य में भी निवास करने की इच्छा रखती है, अगर भविष्य में भी निवास करने की इच्छा रखेगी तो माना जाएगा कि इस भौगोलिक क्षेत्र पे जनसंख्या रहती है अन्यथा नहीं, और जब भविष्य में निवास करने की इच्छा रखेगी तो जाहिर सी बात है एक रेगुलर गवर्नमेंट भी वहां रहेगी, शांति या व्यवस्था वगैरह बहाल करने के लिए, अगर इतना कुछ हो जाता है तब तो फिर अनक्लोज को भी अपनी इस आभासी रेखा में बदलाव लाना होगा, क्योंकि जब ये कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो आपको नहीं लगता कि यहां पर इतना अंदर तक उभार है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी ये इस शेप में आ जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, अब यहां से काउंट किया जाएगा, जब यहां से काउंट करेंगे तो अब ये नहीं कि यहां से आपने 12 नॉटिकल माइल यहां काउंट किया तो फिर यहां से भी काउंट करना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको काउंट कहां से करना है, अनक्लोज के द्वारा जो आभासी रेखा खींची गई होगी वहीं से करेंगे, जो काल्पनिक रेखा खींची गई होगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि ये वेल डिफाइंड ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। वेल डिफाइंड ज्योग्राफी में लैंड ज्योग्राफी तो आप डिफाइन करते ही हैं, एरियल भी करते हैं, वाटर भी करते हैं, यानी लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एरियल बाउंड्री, ये तीनों बिल्कुल चाक चौबंद हो तो आप समझेंगे कि हां इसके पास पूर्ण परिभाषित भूगोल है ना। चलो जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि नेशन स्टेट सिस्टम आप बखूबी समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत ग्लोबल पॉलिटिक्स के उदय का, खास करके उस ग्लोबल पॉलिटिक्स को जिसे वर्तमान संदर्भ में हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ जोड़ सकें, यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी जो दौर शुरू होगा हम विश्व युद्ध के बाद के दौर से कंसीडर करेंगे, यानी कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध से शुरू कर दिए, क्योंकि उन दिनों फिर हम कॉलोनियल व्यवस्था के शिकार थे। मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो भी हम लोग विश्व राजनीति के अंदर विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे भारत को केंद्र बिंदु में जरूर रखेंगे, है ना। तो भारत को जब केंद्र बिंदु में रखना होगा तो निस्संदेह 1947 या उसके बाद वाले काल को रखना होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा पहले वाला काल हम रख सकते हैं जब बिल्कुल हम आजाद होने की कगार पे थे। एनीवे, ग्लोबल पॉलिटिक्स, हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स को कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बांटेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसकी स्टडी करेंगे। देखिए,
आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था? जून 1945 में समाप्त हुआ था, है ना। जून 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, 1945 में, तो 1945 से लेकर आपको बताऊं 1990 तक शीत युद्ध का दौर चला, कोल्ड वॉर का दौर चला, वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कोल्ड वॉर शीत युद्ध से बोला गया। देखिए शीत युद्ध का अगर लिटरल मीनिंग आप देखें तो इसका मतलब यह होता है कि वास्तव में यहां युद्ध होता नहीं है, बस एक माहौल बना रहता है कि कभी भी युद्ध हो जाएगा। बस दोनों पक्षों की ओर से हमेशा आप देखेंगे जैसे लोग तीर कमान हथियार लेकर बिल्कुल तैनात है कि बस अब अटैक कर ही देंगे, लेकिन अटैक करते नहीं है। तो वार टाइप सेटअप रहेगा, वार टाइप एटमॉस्फियर बना रहेगा, बट वार होगा नहीं, युद्ध घटित नहीं होगा। इसी को बोला गया शीत युद्ध। एक तरह से वैश्विक संबंधों में तनाव की स्थिति होता। एनीवे, तो 1945 से लेकर 1990 ये हमारा पहला कालखंड होगा विश्व राजनीति को समझने का। 1990 के बाद हम बात करेंगे 1991 से लेकर 2009 तक, या 2009 नहीं, एक मिनट, यहां पर आप लिख लीजिए 2001 तक, 1991 से लेकर 2001 तक, यानी एक कालखंड हो गया 1945 से, आप कह सकते हैं 91 से पहले वाला फर्स्ट, ये पहली एरा है वैश्विक राजनीति की। दूसरी क्या है, 1991 से 2001, इसे आप कह लीजिए विश्व राजनीति का दूसरा युग। जाहिर सी बात है यहां हम पूरी तरह से अब धीरे धीरे कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव को छूने लगेंगे विश्व राजनीति में, सेकेंड पीरियड। 2001 के बाद आप आ जाइए 2009 तक, यानी 1991 से 2001, 2001 से लेकर 2009 तक, या फिर सबसे बेहतर होगा 2008 लिख लो, 2001 के बाद 2008 तक, 2001 to 2008, ये आपकी तीसरा फेज होगा, थर्ड फेज होगा, और फिर आप जो फोर्थ फेज होगा वो हम लोग सीधे 2009 to till date वर्तमान तक, ये आपका फोर्थ फेज होगा। यानी हम विश्व राजनीति को समझने के लिए चार कालखंडों का अध्ययन करेंगे, और इन चार कालखंडों के माध्यम से देखेंगे कि विश्व किस दिशा में जा रहा है। और इस तरह से हम 2019 पे आ जाएंगे, और 2019 में जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना शुरू करेंगे तो खुद को 2019 में रखते हुए भारत का विश्व के देशों के साथ किस तरह के वैश्विक संबंध स्थापित हो रहे हैं, संबंधों का स्वरूप क्या हो सकेगा, इन तमाम आयामों पर अपनी समझ विकसित करेंगे, है ना। तो पहला फेज हम लोग देखेंगे यहां पर 1945 से 90 का फेज, ठीक है। चलिए मैं पेज पलटता हूं और पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स इन 1945 to 1919, मींस फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। कंटेम्पररी वर्ल्ड में समकालीन विश्व में ग्लोबल पॉलिटिक्स का पहला चरण, फर्स्ट फेज, ठीक है जी।
मैंने पहले चरण की शुरुआत क्यों 1945 से लिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के उपरांत, क्योंकि इसी फेज में भारत को आजादी मिली थी 1947 में। उसके पहले की विश्व राजनीति पढ़ के भी हम क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब भारत का भाग्य विधाता ही कोई और हुआ करता था। हम उपनिवेश हुआ करते थे, हमारे ऊपर बाहरी हुकूमत शासन किया करती थी। एनीवे, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहला फेज 1945 से बाद वाला क्यों रखा, 1945 to 1990। ठीक है, देखिए जी, यह जो फेज था 1945 से लेकर 1990 तक, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि विश्व व्यवस्था में यह पीरियड शीत युद्ध के लिए जानी गई, कोल्ड वार के लिए जानी गई, शीत युद्ध। ओके, अब ध्यान देंगे, '1945 से '90 शीत युद्ध, कोल्ड वार। अब सवाल यह उठता है कि यह शीत युद्ध आखिर किसके किसके बीच था। आपको बताऊं, यह वास्तव में दो आर्थिक विचारधाराओं के मध्य यह युद्ध था, दो अलग अलग तरह की इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के बीच ये युद्ध था। देखिए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उस समय यानी 1945 से 90 तक पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था, दो खेमों में। है ना, एक वो खेमा जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का नुमाइंदगी करता था, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की हिमाकत करता था, समझ रहे हैं? और एक दूसरा खेमा जो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का ही मांगती था, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। तो देखिए, पूंजीवाद एक विचार है, समाजवाद एक विचार है। तो कहने का मतलब कि यह शीत युद्ध एक तरह से वैचारिक संघर्ष की बुनियाद पर पैदा हुआ, यानी यहां पर दोनों के बीच क्या था, इन दोनों विचारधाराओं में वैचारिक संघर्ष की स्थिति प्रारंभ हो गई थी, वैचारिक संघर्ष। अब इस वैचारिक संघर्ष को किनके माध्यम से अंजाम दिया जा रहा था, पूंजीवादी विचारधारा का पोषक अमेरिका हुआ करता था, और अमेरिका को सहयोग देने वाले कौन से लोग थे, पश्चिमी यूरोपीय देश, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, है ना, यानी एक तरह से कह सकते हैं समेकित रूप से कि पश्चिमी देशों का समूह। और दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी देश थे ये पूंजीपति देश थे, पूंजीवादी देश थे, पश्चिमी देश, ये पश्चिमी देश अपेक्षाकृत विकसित थे, तो कह लीजिए कि विकसित देशों का समूह, यानी पूंजीवादी जो सोच थी वो मूलतः विकसित देशों की सोच थी। तो विकसित देश चाहते थे कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिले, आगे हम लोग समझेंगे पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। दूसरा, ये जो दूसरी विचारधारा थी समाजवादी, इस विचारधारा को मानने वाले आमतौर पर विकासशील या अविकसित देश थे, है ना, अविकसित या विकासशील देश थे। विकासशील देश थे, और इनका नेता कौन था, पूर्व सोवियत संघ, जो अब नहीं रहा, इसलिए मैं यहां क्या लिख रहा हूं, पूर्व सोवियत संघ। अब यूएस तो अभी भी है, उन दिनों भी हुआ करता था, तो पहले खेमा का नेता हम सीधे यूएसए लिख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम पढ़ेंगे कि समाजवादियों का नेता कौन था, समाजवादी खेमे वाले देशों का नेता कौन था, तो पूर्व सोवियत संघ था। अगर अभी भी यह सोवियत संघ होता तो हम लिख देते सोवियत संघ था, लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा, पूर्व सोवियत संघ। इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं ऑस्टवाइल
USSR, erstwhile USSR. आमतौर पर हम बोल देते हैं कि रूस था इसका नेता, बट तकनीकी रूप से रूस कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सोवियत संघ में केवल रूस ही नहीं था, रूस के अतिरिक्त और 14 देश थे, यानी 15 देशों का यह एक तरह से कह सकते हैं संघ था, और संघ भी कैसा, कॉन्फेडरेशन टाइप संघ, यानी महासंघीय प्रकार का था, जिसमें विखंडन की पूरी संभावना थी, जो हुआ भी आगे चल के 1991 में यह विखंडित भी हो गया. एनीवे, तो देखिए कहीं ना कहीं 1945 से लेकर 1990 तक का जो कालखंड था विश्व राजनीति में, वो शीत युद्ध के नाम से जाना गया. शीत युद्ध किसकी बुनियाद पर पैदा हुआ, वैचारिक विविधता की बुनियाद पर. विश्व का पूरा विश्व दो खेमों में बट गया. एक खेमा उन देशों का जिसमें अपेक्षाकृत विकसित देश हुआ करते थे, और ये देश अमेरिकी व पश्चिमी यूरोपीय देश हुआ करते थे, अमेरिकियों में भी उत्तर अमेरिकी कह लीजिए. और दूसरा खेमा पूर्वी यूरोपीय और एशियाई देशों का था. दूसरा खेमा समाजवादी आर्थिक विचारधारा का पोषक था, पहला खेमा पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा. पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा हमेशा कोशिश करती है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा अपनाई जाए, देश की बाजारें पूरे विश्व के लिए खोल दिया जाए, अर्थव्यवस्था की बंद दरवाजे की नीति का परित्याग किया जाए. और समाजवादी आर्थिक विचारधारा सीधे इसकी विपरीत है, यह चाहती है कि हमारे यहां उद्योगों को संरक्षण मिले, बाहर के उद्योग आकर हमारे उद्योगों को एनक्रोच ना करें. इनकी अर्थव्यवस्था में बाह्य अर्थव्यवस्थाएं आकर पेंट्रेशन ना कर सके. ये तमाम तरह के एक तरह से कह सकते हैं सोच का फर्क होता है दोनों अर्थव्यवस्थाओं में.